जी गाइज, यूट्यूब कब आया था? जी हाँ, यूट्यूब के आने के बाद क्या हलचल हो गया, बहुत सारे अद्भुत हो गए यूट्यूब के आने के बाद। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, क्या हुआ यूट्यूब के आने के बाद? वीडियो के अंत तक बने रहे गाइज। आप लोग, हम लोग देखते हैं कि कहीं आप अगर हाथी देखे हुए हैं तो हाथी के देखिएगा कि वह कान के अपने बार बार हिलाते रहता है। ऐसा क्यों है कि हाथी अपने कान को बार बार हिलाए रहता है, या नहीं कि मनुष्य की तरह कान को कभी नहीं हिलाता है लेकिन हाथी बहुत ही हिलाते रहता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हाथी के पास बहुत अधिक सारे गर्मी होता है, जो कि गर्मी को दूर करने के लिए कान से वहाँ हिलाने पर गर्मी उसका दूर होता है, इसलिए वह कान को हिलाते रहता है हमेशा। आज कहाँ का हाथी है जिसका कान बड़े बड़े होते हैं? अफ्रीका का हाथी बड़े बड़े होते हैं उनका कान, लेकिन बड़े बड़े उन हाथियों का कान क्यों होता है? उसके पीछे क्या रीजन है कि वहाँ के हाथियों का बड़े बड़े कान और यहाँ का हाथी का छोटे छोटे कान, यानी कि उसकी अपेक्षा छोटा है, यानी कि बहुत छोटा उसकी अपेक्षा छोटा है? ऐसा इसलिए है कि अफ्रीका में अधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ पर गर्मी, हाथी को तो गर्मी उत्पन्न होता है कान द्वारा, वहाँ निकलता है गर्मी हिलाने पर, और बड़े बड़े कान होने के कारण उनका गर्मी जल्द से जल्द निकले हाथियों का, इसलिए बड़े बड़े कान। यूट्यूब आजकल इतना पॉपुलर है कि हमको लगता है कि बहुत सारे, यानी कि 90% व्यक्ति मोबाइल खरीदते हैं यूट्यूब चलाने के लिए, या नहीं कि यूट्यूब से केवल फिल्म ही देखने के लिए, पढ़ने के लिए और सा जो काम है यूट्यूब से देखने के लिए। वहाँ कब लागू, यानी कि कब यूट्यूब अपने आया? 2005 में 14 फरवरी को यूट्यूब आया दुनिया में, जो कि 2005 यानी कि 14 फरवरी। पहले के जमाने में तो रेलवे को उठाने के लिए, यानी कि किरान तो नहीं था, लेकिन कौन सा जीव जंतु जो कि डब्बे को उठाया करते थे, यहाँ जानकर आप चौंक जाइएगा। जी हाँ, हाथी को बहुत सारे उपयोगों में पहले लाया जाता था, जैसे कि लकड़ी ढोना है, लकड़ी का सीला ढोना है। आप लोग कभी इमेज में भी देखे होंगे कि हाथी लकड़ी का सीला ढो रहा है। उसी प्रकार ट्रेन के बगियों को वहाँ ढोने के लिए, सामान को ढोने के लिए हाथी का उपयोग। एक समय ट्रेन जब खराब हो गया था उसको खींच कर स्टेशन पर लाया गया था। वह कौन सा जगह है? बड़ौदा। बड़ौदा में 1963 में ट्रेन के डब्बे खींचने के लिए बहुत सारे हाथियों को एक साथ लेकर, यानी कि जोड़ कर ट्रेन को खिंचवाया गया था, क्योंकि अधिक जंगल होने के कारण वहां पर ट्रेन नहीं बन सकता था, इसलिए उसे खींच कर हाथियों। गाइस, जो व्यक्ति ने यूट्यूब बनाया क्या उसी के अंतर्गत यूट्यूब आज भी चल रहा है? ऐसा नहीं, यूट्यूब बाद में बिक गया। वहाँ 18 महीने के बाद यूट्यूब बिक गया, जो कि एक गूगल कंपनी ने खरीद लिए, जो गूगल कंपनी के आज चल रहा है, जो कि वहाँ 9 अक्टूबर 2006 में गूगल कंपनी ने यूट्यूब खरीद लिया। खरीदने वह कितना में खरीदा? 1 अरब, यानी कि 1 अरब डॉलर, जिसको 1 करोड़ डॉलर कहा जाता है, उतने में गूगल कंपनी यूट्यूब। आज हाथी है जो कि 1 मिनट के अंतर्गत वह कितने बार सांस लेती है, सांस लेने का प्रक्रिया हाथी में क्या अधिक है? बड़े है तो उसको अधिक सांस लेना पड़ेगा? नहीं, सांस लेने का प्रक्रिया हाथी में क्या अधिक है? बड़े है तो उसको अधिक सांस लेना पड़ेगा? नहीं, बड़े है तो उसे कम सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वहाँ ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में ऑब्जर्व कर लेती है, यानी अंदर रख लेती है, जो कि 1 मिनट में 2 से 3 बार सांस लेने पर ही वहाँ रह जाती है। जो हाथी है सबसे विशाल, सबसे शक्तिशाली हाथी को माना जाता है, लेकिन हाथी जंगल का राजा क्यों नहीं हुआ? ऐसा छोटा सा एक जानवर जो कि शेर, वह जंगल का राजा क्यों हो गया, हाथी क्यों नहीं? जैसे कि गांव में आपको शहरों में देखा जाता है कि कोई विशाल आदमी है उनको खतरनाक नहीं कहता है, लेकिन कोई जो व्यक्ति है जो कि विशाल भी नहीं है लेकिन वह खतरे से मोल लेते रहता है हमेशा, उसे कहता है, कहा जाता है कि यह बहुत खतरनाक आदमी है, इनसे नहीं लड़े, यानी कि उनसे साइड रहे। इसी प्रकार हाथी खतरनाक नहीं है, लेकिन शेर खतरनाक होने के कारण यहाँ जंगल का राजा शेर ही हुआ, हाथी नहीं। मैंने वीडियो अगर अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। यूट्यूब है क्या सारे के सारे देशों में चल रहे हैं? 3 देशों में बैन है, पूर्ण रूप से बैन है, लेकिन यूट्यूब 88 देशों में चल रहे हैं।
जो कि और सा देशों में क्यों नहीं चले हैं, क्योंकि बहुत छोटे देश है जो कि यूट्यूब उसको बाकी देशों से ही कवर कर लेता है, जिसको वहाँ गिनती में नहीं लेता है कि यहाँ देश है। जो कि यूट्यूब पर कितने भाषाएं में चलते हैं, यूट्यूब 900 भाषाएं लगभग यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप किसी भी भाषा में यूट्यूब का